जयपुर के कानोतो थाना इलाके में युवती से मारपीट और अपहरण के प्रयास के मामले में पुलिस ने आज 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीना खान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा, 2 कारतूस और वारदात में शामिल एक कार को बरामद किया है। एडिशनल कमिश्नर विजयपाल लांबा ने बताया कि कैम्बो गोल्फ रोड पर अंधेरे के समय बदमाशों ने हॉस्टल की लड़की के साथ मारपीट की। उसके साथ इतनी मारपीट की कि उसके 2 दांत टूट गए। लड़की के सिर पर गाड़ी के दरवाजे से चोट पहुंचाई और युवती का पर्स लेकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जयपुर, भरतपुर, दौसा सहित कई जगहों पर दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने 35 वर्षीय सन्नी उर्फ सनी शर्मा, 24 वर्षीय राहुल जाट और कुम्हेर भरतपुर निवासी 24 वर्षीय दाऊ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को जब्त किया है। लड़कियों का रास्ता रोकने और प्रदर्शन से बदमाश समझ गए थे कि पुलिस उन्हें जल्द पकड़ लेगी। इसे देखते हुए बदमाशों ने शहर से बाहर भागने का प्लान बनाया। ये बदमाश पिछले 3 दिनों से कई जगहों पर छिप रहे थे। पुलिस को कार के सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद बदमाश समझ चुके थे कि कभी भी पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। कार की पहचान होने के बाद पुलिस ने जयपुर, दौसा और भरतपुर में कई जगहों पर दबिश दी, जिसके बाद ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। हॉस्टल की लड़कियों को जब तीनों बदमाशों के पकड़े जाने की जानकारी मिली तो वे काफी खुश थी। उन्होंने जयपुर कमिश्नरेट, पुलिस और डीसीपी ईस्ट को धन्यवाद दिया। लड़कियों का कहना है कि अगर हॉस्टल के आसपास पुलिस की मौजूदगी रहेगी तो दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं होगी।